देश में स्वच्छता में नंबर वन की कुर्सी पर काबिज इंदौर ने एक और सफलता हासिल की है। अब इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जिसने मात्र सवा दो घंटे में ही रिकॉर्ड 300 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि मात्र दो घंटे में ही इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी लक्ष्य से ज्यादा पैसा निगम को मिल गया। निगम ने इस बॉन्ड के जरिए लगभग 250 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इंदौर के महापौर ने इसके लिए निवेशकों और इंदौर वालों को धन्यवाद दिया है। इंदौर एक दौर है, इंदौर की जनता ने और देश की जनता ने देश के पहले अर्बन लोकल बॉडी के ग्रीन बॉन्ड को जितना प्रतिसाद दिया है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि जनता और लोग नगर निगम और लोकल अथॉरिटीज़ के माध्यम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीन घंटे में 300 करोड़ के पार ये बॉन्ड गया है और मुझे लगता है कि लगातार तीन दिनों तक जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की दिशा में फिनेंशियल नई कैपेबिलिटीज़ की दृष्टि से देश में एक नए नवाचार के साथ और भी नए उदाहरण पेश करेगा। और ये जो पैसा आएगा, हम ग्रीन एनर्जी के लिए, सोलर प्लांट के लिए उपयोग करेंगे। तो अब जो बात माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने यूनियन बजट में कही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहते हैं, तो हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये इतिहास रच के इंदौर की जनता ने बताया। इंदौर नगर निगम आयुक्त की माने तो बॉन्ड का काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ये बॉन्ड ग्रीन एनर्जी को लेकर है और इसे लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है, इसकी वजह से ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है। आज जो निगम का ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी होना था, वो सवेरे जारी हुआ है और तीन घंटों में हम लोगों ने देखा कि इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। बॉन्ड ओवर सब्सक्रिप्शन में जा चुका है और लगभग 300 करोड़ के आसपास का अभी हम लोगों को जो अपडेट्स हैं उनमें है। लगातार चाहे कॉरपोरेट हो या रिटेल हो, सभी से इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बेसिकली जो नगर निगम का बॉन्ड है, ये ग्रीन एनर्जी को लेकर के है और इसमें जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का भी हम इस्तेमाल कर रहे थे वो सोलर पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कॉस्ट और अर्बन लोकल बॉडीज़ इन जनरल अभी बॉन्ड इशुंस में बहुत कम है, तो ये शायद ये दो चीज़ें हैं। इंदौरियों का जो इसमें सपोर्ट रहा होगा, ये पब्लिक इशू है, इसी कारण से ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इशू की कामयाबी पर ट्वीट किया और इंदौरियों को इसकी सफलता के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। निगम ने खरगोन जिले के जलूद में नर्मदा किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इस प्लांट के निर्माण से नर्मदा का जो पानी बिजली के पंपों के जरिए इंदौर लाया जाता है, उसे सोलर एनर्जी के जरिए लाया जाएगा। इससे निगम को हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।